द प्लॉट ट्विस्ट में आपका स्वागत है। और आज की कहानी में आप लोग सुनने जा रहे हैं फेमस इंडियन राइटर सैयद मुस्तफा सिराज का लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी, रात का मुलाकात पार्ट टू। तो अगर अभी तक आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले पार्ट वन को देखिए। ये स्टोरी बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है एंड आई होप यू गाइज विल डेफिनेटली एंजॉय दिस स्टोरी। So, let's start the story. मेरा शक खत्म हो गया, मतलब मैंने जो सोचा था वही है। इस वक्त दिमाग को ठीक रखना चाहिए, सावधानी से बात करना चाहिए। मैंने कहा, तुम अपना एक डेरा जमा लो कहीं पे। आपका छत बुरा नहीं है सर, बहुत ही सुनसान है। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उससे अच्छा है वो जो देख रहे हो, चीनू बाबू का घर तुम्हें दिख रहा है? अरे बाप रे, हॉस्पिटल के मॉर्ग से सबसे पहले तो वहीं पे गया था। वहाँ पे एक बड़े बाबू का अड्डा है और उनका जैसा भारी शरीर वैसा ही भारी आवाज, पिस्तौल उठा के बोलते हैं, पकड़ो पकड़ो। समझा, चीनू बाबू का पिताजी, एक समय वो पुलिस दरोगा थे। वैसा ही लगता है देख के, इसलिए ही बोलते हैं आदतें नहीं जाते, पिस्तौल का भी। वो तो तुम्हारा भी गया नहीं है लगता है, तुम क्या थे बताओ तो? वही तो याद नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह, टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ था ये याद है, मरने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे ये भी याद है, लेकिन ये असली बात याद नहीं आ रहा है। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, आप समझे नहीं, अभी अभी मरा हूँ ना, इसलिए सब कुछ जैसे गोलमाल सा हो गया है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम क्या करना चाहते हो वही बताओ। मुझे बहुत नींद आ रहा है। आप सो जाओ सर, आप सो जाओ। और तुम? बैठ के सोचता हूँ, सोच के देखता हूँ मैं कौन हूँ, उसके बाद ही कुछ तय करेंगे। मैंने कहा, नहीं नहीं ये तो कोई काम का बात नहीं हुआ, उससे अच्छा तुम कहीं और जाके सोचो। मुझसे डर लग रहा है क्या सर? हाँ वो तो लग रहा है। कृपया करके मुझसे डरिए मत सर, क्योंकि क्योंकि मुझे अपने आप से ही डर लग रहा है। क्यों क्यों? समझे नहीं, अभी ताजा ताजा मरा हूँ ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, अभी तक अपने शरीर को भी नहीं छोड़ सका। जब भी शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही मुझ पे चढ़ रहा है, इस दुख में ही तो मैं तब रो रहा था। कोशिश करके देखो, अभी जाके मैं बैठा, क्योंकि जो खुद ही अपने आप से डर रहा है उससे मुझे डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उस आदमी ने कहा, आप सो जाओ सर, मैं देखता हूँ क्या करना है। मैं सो गया, लेकिन अपना एक नजर मैंने उसी की तरफ रखा। थोड़ी ही देर में वो आदमी अचानक जिमनास्टिक्स करना शुरू किया, दौड़ा दौड़ी, गुलाटी लगाना और भी कई चीजें। फिर वो थक के रुक गया और हांफने लगा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? गायब होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। अरे होगा होगा, फिर से कोशिश करो। हाँ वो तो करूँगा, लेकिन गला बहुत सूख गया है, बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया करके एक ग्लास पानी पिलाएंगे सर? हाँ वो तो पिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा करना होगा, अगर तुम गायब होना सीख जाओ तो फिर ये छत छोड़ के कहीं और चला जाना पड़ेगा। हाँ सर, कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चला जाऊंगा इसे बोलने से ही नहीं होगा, तुम्हें वादा करना पड़ेगा। लेकिन किसके नाम से वादा करूं? बाबा महादेव के नाम से, वही तो तुम्हारे देवता हैं, जानते नहीं? उस आदमी के वादा करने के बाद मैं पानी लाने नीचे गया, वापस आके मैंने उसे बुलाया, ये लो पानी लो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ देर और बुलाने के बाद मैं समझ गया कि उसका कोशिश सफल हुआ, तब मैंने खुद ही वो पानी पी के निश्चिंत होके सो गया। लेकिन वो आदमी है कौन?
शायद सुबह के अखबार में उस आदमी का नाम मिल भी सकता है। सो यही था आज का हमारा स्टोरी। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी टिल एंड। होप यू एंजॉयड द स्टोरी एंड इफ यू रियली एंजॉयड द स्टोरी देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट करके अपना अपना फीडबैक शेयर करो। एंड एज यू नो कि अभी हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक द प्लॉट ट्विस्ट को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी से द प्लॉट ट्विस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टोरीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं लौटूंगा एक और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।